हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ निशांत और आज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स एंकर टैटू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टैटू को अच्छे से बनाते हैं। आप अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स, और अगर आप ये ड्रॉ करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप भी अपने हाथ पे ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट में बनेगा फ्रेंड्स, लास्ट में जो बन के तैयार होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है फ्रेंड्स। और वीडियो के लास्ट में हमें एक कमेंट करके जाइएगा फ्रेंड्स कि ये टैटू कैसा बना, आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। मेरे जितने भी टैटूज होते हैं, मैंने जो भी टैटूज अभी तक बनाया है और आगे भी बनाऊंगा, तो वो सबका सब मैं अक्सर हाथ पर बनाया करता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हाथ पे टैटू बनाना मेरे लिए आसान होता है, मैं यहाँ पे इजली ड्रॉ कर पाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी खुद से बनाना चाहते हैं ये टैटू, तो आप भी, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हाथ पर ही बनाएं, अच्छा बनेगा, अच्छे से आप ड्रॉ कर पाओगे। मेरे सारे के सारे टैटूज जो होते हैं फ्रेंड्स, वो सब के सब टेम्प्ररी होते हैं, इसे क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ फ्रेंड्स। तो आप अगर कोई सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं ये टैटू बनाऊँ आपके लिए, तो आप वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा वो टैटू बना के अपलोड करने का मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे टैटूज़ का वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, और आपको मेरे चैनल पर डेली एक नया नया वीडियो, यानी कि नए टैटू का वीडियो देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपको लास्ट में फ्रेंड्स ये टैटू अगर अच्छा लगे, तो इसको एक लाइक भी ज़रूर कर देना। तो इस तरीके से अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, जो हमने आउटलाइन बनाया है इसको बोल्ड कर लेते हैं, अच्छा लुक बनेगा फ्रेंड्स। इसको भी बोल्ड कर दिया मैंने, सेट कर दिया इसमें भी मैंने। चलिए आगे बनाते हैं अभी नेक्स्ट वाला पोर्शन। स्टैटू को बनाने में फ्रेंड्स थोड़ा सा समय लग सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा समय लगा के बनाएं तो अच्छा बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि जल्दी जल्दी में अच्छा नहीं बन पाता है। तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया है, मैंने फास्ट ही बनाया है ताकि कम से कम समय लगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। फ्रेंड्स, अगर आप और भी कोई टैटू डिज़ाइन खोज रहे हैं फ्रेंड्स, अगर और भी आपको दूसरे टैटू डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। वहाँ पे मैंने बहुत सारा वीडियोस पहले से अपलोड कर रखा है। अभी ये जो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वो नेम प्लेट में बना रहा हूँ, और इसमें मैं सिंपल कोई भी नाम लिख दूंगा, आप जो चाहे फ्रेंड्स आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा लगभग बन के तैयार है फ्रेंड्स। ये जो नेम प्लेट है उसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन एक थोड़ा छोटा सा ऐड कर देता हूँ, जो अच्छा लगेगा देखने में, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए फ्रेंड्स, इसको आप शेड कर देते हैं, शेडिंग कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। शेडिंग करने के लिए आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं, शेडिंग ब्रश का, पर मैं पेन का ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पेन से भी अच्छा शेडिंग बन जाता है। तरीके से आप सेट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसको भी थोड़ा सा सेट कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं वो नाम लिख देता हूँ, नाम में पियर लिख देता हूँ, पियर, और आप चाहे तो कुछ और लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर दूंगा फ्रेंड्स, यानी कि ये जो टैटू मैंने बनाया है इस पे एक आउट लाइन, एक ऊपर से एक लाइन ब्लू
कलर का पेन मैं इस पे चला दूंगा, जिससे ये और भी अट्रैक्टिव लगेगा फ्रेंड्स। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे टैटू अब कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।